भाजपा नेता सुरेश साव को धनबाद लोकसभा का चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर मंगलवार को इन्हें जोगीटांड़ में सम्मानित किया गया। यहां भाजपा कार्यकर्ता मनोज तुरी के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सुरेश साव को पूरे हर्षोल्लास के साथ बूके, अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया और उनके नई जिम्मेवारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गयी। इस दौरान श्री साव ने सभी को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर तन मन से समर्पित होकर पार्टी का काम करेंगे एवं धनबाद लोकसभा सीट को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने का काम करेंगे एवं श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प की सिद्धि हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन करने का काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर महादेव दास के नेतृत्व में भोला दास, विक्की पासवान समेत कई लोगों ने सुरेश साव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। यहां सुरेश साव ने गिरिडीह के स्थानीय विधायक सुदेवी कुमार सोनू पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में हर घर जल नल योजना से पानी पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहां के विधायक के नाकामी के कारण जोगीटांड़ में पानी के लिए ग्रामीण आज भी त्रस्त है। वर्तमान में गिरिडीह की जनता इस विधायक से त्रस्त है, जहां के नौजवानों, किसान, मजदूर, छात्र, आम ग्रामीणों को छलने का काम किया गया है। गिरिडीह में बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है। गिरिडीह में बालू, कोयला, पत्थर, गिरिडीह की खनिज संपदाओं की इनके संरक्षण में लूट मची है। गिरिडीह में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा चिंतनीय है, इसका विकास सिर्फ बैनर, पोस्टर और होर्डिंग तक ही सीमित है। इस दौरान मध्य मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा एवं महामंत्री विनोद साहू, पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं महामंत्री प्रदीप राय, मनोज मौर्य, नागेश्वर दास, विजय दास, नकुल तुरी, रवि मंडल, अमर सिन्हा, श्याबल घोष सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे।